सो गाइज़, आज है संडे और मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेने हैं बहुत सारे कपड़े। और यहाँ पे मैं अपने बालों को सेट करते हुए, हेलमेट पहनने से क्या आपके भी बाल इसी तरह से चिपक जाते हैं? सो हर संडे की तरह आज भी इस गली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो इस गली का नाम है नाज़िर अली लेन, जो कि है चर्च रोड में, जो अपने कट पीस मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं यहाँ पर भीड़ को चीरते हुए जा रही हूँ अंदर गली में, और यहाँ दोस्तों आपको मिलेंगे बहुत ही सस्ते दामों में कपड़े। मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो शेयर की हुई है इस मार्केट के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जा कर के देखिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, ये मार्केट सिर्फ संडे को लगता है, कट पीस मार्केट है। इस मार्केट में और भी दुकानें हैं जो रेगुलर खुली रहती हैं सप्ताह के सारे दिन, लेकिन जो ये कट पीस मार्केट है वो सिर्फ संडे को ही लगता है। इस मार्केट में आपको मिनिमम 30-40 रुपीज़ से कपड़े स्टार्ट होते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं। उनसे आप सूट, सलवार, प्लाज़ो कुछ भी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट से मैंने दिखाया है कि मैंने कौन कौन से कपड़े ख़रीदे हैं और कितने दाम में। तो मैं अभी आगे की तरफ जा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार पूरा मार्केट में घूम लेती हूँ, और मार्केट में देख लेती हूँ कि कौन कौन से अच्छे कपड़े आए हैं और नए कपड़े आए हैं, और प्राइस भी पता कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं शॉपिंग करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो यहाँ पे दोस्तों ये वो कपड़े हैं जो प्लाज़ो और कुर्ती का सेट होता है, वो है जो आपको 70 रुपीज़ मीटर में मिल जाएगा। तो ये जो कपड़ा देख रहे हैं वो मैंने ले लिया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था ये कपड़ा, और कुर्ती और प्लाज़ो सेट तो मैंने ले लिया है। अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारा चीज़ देख लिया है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं आ रहे हैं तो हो सके तो आप फर्स्ट हाफ में आइए, थोड़ी सी कम भीड़ रहती है, क्योंकि सेकेंड हाफ़ में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी जो आप कपड़ा देख रहे हैं वो बहुत ही ट्रेंड में अभी चल रहा है, और 50 रुपीज़ मीटर में आपको ये मिल जाएगा, अलग अलग कलर में और अलग अलग प्रिंट में। और इस मार्केट में आपको बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे, वो भी रीज़नेबल प्राइस में, 100 रुपीज़ के अंदर ही ये कपड़ा मिल जाता है आपको। और इस तरह से नेट का कपड़ा भी मिल जाता है, 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ मीटर का रहता है। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये सारा 60 रुपीज़ मीटर का है। तो इसमें आपको कुछ कपड़े होते हैं जो 1 मीटर से ज़्यादा के होते हैं, जैसे कि आपको 1.5 मीटर या 2 मीटर का कपड़ा भी मिल सकता है, और कुछ कपड़े आपको 1 मीटर से कम के भी मिल सकते हैं। तो यहाँ मैं आगे की तरफ आ चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने पहले देख लिया था कि मुझे कौन कौन सा कपड़ा लेना है, तो वहीं मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। और वहाँ बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, ये फर्स्ट जो दुकान लगी है गली में दोस्तों, वहीं से मैंने लिया है। तो ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये 70 रुपीज़ मीटर का है, और ये वाला भी 70 रुपीज़ मीटर का है, तो ये मैंने ले लिया था। ये देखिए, तो क्वालिटी इस कपड़े की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वीडियो की लास्ट में मैं इस कपड़े को नज़दीक से दिखाऊँगी आपको। और इस तरह से कपड़े लगे होते हैं दोस्तों, और आप चूज़ कर सकते हैं, और जितना भी मीटर आपको लेना है कपड़ा वो आपको मिल जाएगा। वीडियो में मैंने पहले बताया था दोस्तों, ये नाज़िर अली लेन जो चर्च रोड में है वहीं ये मार्केट है, और यहाँ पे पहुँचने का रास्ता किस तरह से है, किस तरह से आपको जाना है, वो मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखें। यहाँ पर मुझे इस तरह का प्लेन कपड़ा भी चाहिए था, तो वो भी मैंने ले लिया। जिस दिन मैं गई थी शॉपिंग करने, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी के कारण मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगने लगी कि मैंने सोचा कुछ ठंडा पी लिया जाए, और उसी ठंडे को पीने की वजह से मेरे गले की हालत ऐसी हो चुकी है जो कि आप रिकॉर्डिंग में सुन ही रहे होंगे। उसके बाद मुझे लेना था फेस वॉश, और फेस वॉश लेने के बाद मैं चली गई घर। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ शैलजा, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। तो मैं गई थी नाज़िर अली लेन शॉपिंग करने के लिए, फेस्टिवल का सीज़न आ चुका है और शॉपिंग करना तो ज़रूरी है, तो मुझे चाहिए थे बहुत सस्ते कपड़े, तो मैंने नाज़िर अली लेन को चुना, जहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आपको सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि मार्केट किस तरह का है, और मैंने वीडियो में बताया है कि लास्ट में मैं बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और कितने दाम में, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ किस तरह के कपड़े मिलते हैं। और अगर आपको शॉपिंग करनी हो वहाँ से तो आप ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कपड़ा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, तो मैंने ये लिया था नाइटी बनवाने के लिए, तो मुझे ये पड़ा था 40 रुपये मीटर। तो कपड़े की क्वालिटी 40 रुपये मीटर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, ये जो कपड़ा है दोस्तों ये कॉटन का कपड़ा है, और इस रेंज में
मार्केट में आपको बहुत सारे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। इस कपड़े को देखिए दोस्तों, इस कपड़े की भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये भी मुझे 70 रुपये मीटर करके मिला है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लेन कपड़े लिए हैं सूट बनवाने के लिए। यहाँ देखिए ये मस्टर्ड कलर का है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज कलर का कपड़ा और लास्ट में मैंने लिया है यहाँ पर एक डीप ग्रीन कलर का कपड़ा। ये सब 40 रुपये मीटर करके मिला। दुपट्टों की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे दुपट्टे भी आपको बहुत ही कम रेंज के मिल जाते हैं। आप थान से कटवा करके दुपट्टे ले सकते हैं या ऐसे भी आपको 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर के कपड़े भी मिलते हैं अलग से। और उसी तरह से मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था, ये देखिए। तो ये वाला जो दुपट्टा है दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही इसका कलर मुझे पसंद आया था और बहुत ही यूनिक कलर है, बहुत ही सोबर सा कलर है, तो मुझे इस तरह के कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये जो है दोस्तों, इसको आप किसी प्लेन सूट पे लगा सकते हैं या लहंगे पे लगा सकते हैं। तो इसका जो साइड है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि लेस लगा लूँ, तो इसे मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया है। तो ये देखिए, तो ये है दोस्तों, मुझे पड़ा था 60 रुपीज़ का, तो ये है 2.25 मीटर, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये रहा, ये पूरा दुपट्टा है और काफ़ी अच्छा दुपट्टा है। इसके बाद मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था, ये मैंने थान से कटवा के लिया था। तो इस कलर का दुपट्टा मेरे पास नहीं है, वो भी नेट में, तो मुझे ये चाहिए था। तो यहाँ देख सकते हैं, ये साइड में दुपट्टे के दोनों साइड में इस तरह से बना हुआ है। ये ग्रे कलर है और ग्रे कलर का मुझे एक दुपट्टा चाहिए था, वो भी नेट में, तो इसे भी मैंने बहुत ही चीप रेंज में लिया है। ये मुझे पड़ा है 30 रुपये मीटर और ये 2.25 मीटर है। तो ये एक दुपट्टा है जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये देखिए इस तरह का है, ये देखिए इतना चौड़ा है। तो बहुत इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये सूट लहंगा के लिए ठीक है। तो ये है पर्पल कलर में और ये कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, ये देखिए। तो और दुपट्टे के दोनों साइड में इस तरह से बना हुआ है। तो मैंने ये दो लिया है और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने इसे कितने में लिया है, ये सिर्फ मुझे मिला है 40 रुपीज़ में। तो इस तरह की अगर दुपट्टे आप लेते हैं दोस्तों, तो बेटर रहेगा कि आप इसे अच्छे से ड्राई क्लीन करा लें, तो इस ये फिर ओढ़ने में आपको बिल्कुल सही लगेंगे। ये देखिए इस तरह का है, ये थोड़ा सा बिल्कुल गोल्डन भी नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर में है, ग्रीन भी नहीं बोलूंगी, पता नहीं कौन सा कलर है, मस्टर्ड कलर है या पता नहीं हल्दी कलर है। ये देखिए कुछ अलग सा ही कलर है, ये ज़्यादा ना ग्रीन लग रहा है ना येलो लग रहा है, मस्टर्ड कलर भी नहीं है, लेकिन जो भी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो मैंने आप लोगों को पर्पल कलर का दुपट्टा दिखाया, ये दुपट्टा भी बिल्कुल सेम है, बस कलर इसका अलग है, और ये भी मुझे 40 रुपीज़ में मिला, इसलिए मैंने दोनों उठा लिया। जनरली इस तरह के दुपट्टे इतने कम दाम में मिलते भी नहीं है, तो शायद मैं लकी हूँ, मुझे मिल गया ये। ये जो दुपट्टा मैंने लिया है, इस तरह के दुपट्टे को आप साड़ी भी बना सकते हैं। मैंने बोला ना थान में वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, तो मैं दिखाती हूँ। ये रेड कलर का है, ये देखिए, और ये देखिए इस तरह का है। तो इसमें थोड़ा लाइट कलर दिख रहा होगा कैमरे में, बट एक शेड ये डार्क कलर है, रेड कलर का एक शेड डार्क है ये। नीचे का बॉर्डर देखिए कितना चौड़ा बॉर्डर है इसमें। तो ये मैंने दुपट्टा लिया है, ये भी 2.25 मीटर है, तो जितने दुपट्टे मैंने लिए हैं सब 2.25 मीटर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने लिया था ये वाला कपड़ा, ये देखिए, ये मुझे मिला है सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है ब्लाउज का कपड़ा और मैंने इसे 1 मीटर लिया है और पर मीटर मुझे पड़ा 50 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और मुझे इस ये जो कलर है बेसिकली पर्पल कलर, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैंने लिया है। और इस ब्लाउज के साथ आप प्लेन जो साड़ियाँ होती हैं वो आप इसके साथ लगा सकते हैं और पहन सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये देखिए। और उसके बाद मैंने लिया था दोस्तों ये वाला कपड़ा, तो ये वाला कपड़ा आपने वीडियो में देखा होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, तो इसे मैं कुर्ती और प्लाजो बनाने वाली हूँ, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है। ये मुझे पड़ा
70 रुपीज़ मीटर, और मैंने इसे लिया है 5 मीटर। तो ये देखिए इस तरह से, ये वाला कपड़ा भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये है कुर्ती का कपड़ा, इसे मैंने लिया है 2.5 मीटर, और ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ मीटर करके, ये देखिए। और ये है प्लाजो का कपड़ा, ये भी 2.5 मीटर है। तो इस तरह से कुर्ती और प्लाजो का सेट जो होता है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा आराम से, वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है वो भी बहुत ही कम दाम में और अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आप उस मार्केट को ज़रूर से विज़िट करिएगा। और पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है कि जो मार्केट है नाज़िर अली लेन का कट पीस मार्केट, वो हर दिन खुला रहता है, मतलब सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। लेकिन जो कट पीस मार्केट है और इस तरह के जो सस्ते कपड़े मिलते हैं बाहर लगा करके रखते हैं लोग, वो आपको सिर्फ संडे को मिलेगा। बाकी ऐसे आप किसी भी दिन चले जाइए, दुकानें जो होती हैं दुकानें खुली रहेंगी और वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक से एक कपड़े मिलते हैं जिनसे आप सूट, लहंगा, कुर्ती कुछ भी बनाइए। एक बार ज़रूर से इस मार्केट को विज़िट करिएगा दोस्तों। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।